उत्तराखंड का सबसे पुराना शहर है मसूरी। यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है और 1938 में यहाँ अंग्रेजों ने गांव से आने वाले मजदूरों के लिए आवासीय व्यवस्था की, लेकिन उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड बना, उसके कानून बने, लेकिन आज तक भी इन बिल्डिंगों की मरम्मत नहीं हो पाई है और ये बिल्डिंगें वैसे की वैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं। कितने लोग रहते हैं एक कमरे में? एक कमरे में 5, और बेटी दामाद आए वो भी यहीं पर, और भाई बहन आए वो भी यहीं पर। क्या करें, नहाने धोने की जगह नहीं है, आदमी लोग बच्चे सब सड़क पे नहाते हैं, जिंदगी बीत गई हमारी तो। लेकिन चाहते हैं कि बुआएं आए तो थोड़ा कुछ बना लें, हमें वो भी नहीं परमिशन मिलती। ये कैंट वाले जो है कोई परमिशन नहीं देते हैं, कभी भी इनके पास परमिशन मांगने को जाओ तो ये परमिशन नहीं देते हैं, और एप्लीकेशन दो तो ये लंबित पड़ी रहती हैं, और यदि अपनी मर्जी से हमने कोई मकान बना लिया, कुछ कर लिया, तो ये फिर सीजम कोर्ट के यहाँ चालान ठोक देते हैं वो लोग तो। दूसरे में पानी की सुविधा नहीं है, सीवर लाइन की कोई सुविधा नहीं है। कैंट बोर्ड की इन 90 साल से ज़्यादा पुरानी इमारतों में जो कमरे हैं वे बुरी तरह टूट पड़े हैं। बच्चे इन टूटे घरों में दुबके रहते हैं और परिवार डरे सहमे इनमें रहते हैं। छत टपकती है तो फर्श भी टूटे हैं, दीवारों पर दरारें हैं जो हल्के से भूकंप में भी ढहकर टूट सकती हैं। कंटोनमेंट लॉज और जो कंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत बनने वाले उपनियम हैं जिनको हम बायलॉज कहते हैं, वो अभी तक बन नहीं पाए हैं। तो ये जो परेशानी है उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में जो 62 कंटोनमेंट हैं उनमें बड़ी परेशानी पैदा हो रही है। तो हम लोगों का प्रयास है जल्दी से जल्दी हम लोग रक्षा मंत्रालय को कोई विज्ञापन सौंपे इस बात का कि वो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में संशोधन करे। उत्तराखंड एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रह रहे आम लोगों के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड और सरकार दोनों को आगे आना चाहिए और जो ये बिल्डिंगें हैं इनकी मरम्मत करवानी चाहिए। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर्स के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।